मज़ा आ गया दोस्तों। आप भी सोच रहे होंगे ना, ये मेरे ग्लास में ये ग्रीन ग्रीन कलर का क्या है? तो ये है कॉलेजन बूस्टिंग जूस। जी हाँ दोस्तों, यही वो जूस है जो मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा एजलेस बनाए रखता है, क्योंकि इसकी मदद से मेरी जो स्किन है उसके अंदर जो कॉलेजन है ना, वो नेचुरली बहुत ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से जो मेरी एजिंग प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक डिले हो जाती है। दोस्तों एजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, और डेफिनेटली इसे किसी भी हद तक जा कर के आप पूरी तरीके से रिवर्स नहीं कर सकते हैं और ना ही आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इसी तरह के कुछ नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी एजिंग प्रोसेस को डिले कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके चेहरे को देख करके कोई भी आपकी एजिंग को पता नहीं कर सकता है, आपकी एज का अंदाजा नहीं लगा सकता है। ये जूस पूरी तरीके से नेचुरल चीजों से मिलकर के बना है, और ये सारी की सारी चीजें हमारी किचन में, हमारे आसपास के बाजार में हमें बहुत आसानी से मिल जाती है। सो अगर आप भी चाहते हैं इसको जानना, ये क्या है, कैसे बना है, कैसे आपको फायदा देगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को इसे पूरा खत्म करने के बाद। दोस्तों मैंने इसे पूरा खत्म कर लिया है, और अब मैं बताता हूं कि इस जूस को हमने बनाया कैसे था। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि एग्जैक्टली कॉलेजन जो है वो है क्या, और कॉलेजन हमारी स्किन के लिए करता क्या है। सो कॉलेजन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे वीडियोज भी देखे होंगे, कि एक ऐसा प्रोटीन है जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो लिफ्टेड रहती है, मतलब हमारी स्किन जो है उसमें खिंचाव रहता है। जितना ज़्यादा हमारी स्किन नेचुरली कॉलेजन प्रोड्यूस करेगी, उतना ज़्यादा जो है वो हमारी एजलेस हमारी स्किन हमें दिखाई देती है, और इसी वजह से बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कॉलेजन पाउडर लेना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बाज़ार में मिलने वाले जितने भी कॉलेजन पाउडर्स हैं वो आपकी स्किन के अंदर जा कर के आपके कॉलेजन की कमी को पूरा कर देंगे। करते भी हैं, लेकिन ये समझिए कि वो जो कॉलेजन पाउडर्स हैं वो आपकी स्किन का नेचुरल कॉलेजन नहीं है, और जब तक वो आपकी स्किन का नेचुरल कॉलेजन नहीं होगा तब तक आपकी स्किन को आप जब तक देते रहोगे तब तक फ़ायदा रहेगा, और उसके बाद जैसे ही देना बंद करोगे आपकी स्किन में इशूज़ आना शुरू हो जाएंगे। सो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी स्किन जो नेचुरली कॉलेजन प्रोड्यूस कर सकती है उसकी स्पीड को बढ़ाया जाए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्किन में जो कॉलेजन बनने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, और इसी वजह से 30 प्लस होने के बाद में, इवन मैं तो आजकल बोलूँगा क्योंकि स्ट्रेस बहुत है, डाइट की क्वालिटी हमारी अच्छी नहीं है, तो मेरा ये कहना है कि आप तो 25 प्लस जैसे ही हो जाते हो, 25 प्लस जैसे ही हो जाते हो, कुछ ऐसा अपने रूटीन में आप शामिल कर लो जो आपकी स्किन में नेचुरल कॉलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाए। क्योंकि एजलेस आप और मैं, हम सभी दिखना चाहते हैं, लेकिन हम सभी की इस चाहत को पूरा करने के लिए प्रयास तो करने होंगे, मेहनत तो करनी होगी। मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, और इसी में एक कदम बढ़ता है आपका यह जूस। इस जूस को बनाने के लिए हमने चार चीजें ली हैं जो बहुत आसानी से आपके आसपास आपके किचन में मिल जाती हैं। नंबर वन जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है वो है स्पिनच। स्पिनच मींस पालक के पत्ते हमने इस्तेमाल किए हैं। तो लगभग 50 से 60 पालक के पत्ते चाहिए होंगे एक ग्लास इस जूस को बनाने के लिए। तो 50 से 60 पत्ते ले लीजिए, अच्छे से धो लीजिए और उन्हें ग्राइंडर में डाल लीजिए। नंबर दो जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमने यहाँ पर लिया है वो है सेब, एप्पल। एप्पल के अंदर बहुत सारा मैलिक एसिड होता है, और ये मैलिक एसिड जब हमारे स्पिनच के मतलब पालक के जब क्लोरोफिल के साथ मिलता है तो ये दोनों मिलकर के एक नेचुरल एंजाइम बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन में कॉलेजन का प्रोडक्शन बढ़ता है, मतलब हमारी स्किन नेचुरली खुद ब खुद बहुत सारा कॉलेजन बनाना शुरू कर देती है। सो एक मीडियम साइज़ का हमने एप्पल लिया है, और इस एप्पल को बारीक टुकड़े करके हमने इस ग्राइंडर के अंदर डाल देना है। नंबर तीन जो चीज़ दोस्तों हमें यहाँ पर लेनी है वो है एक मीडियम साइज़ का टमाटर। टमाटर के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि लाइकोपीन होता है, और ये जो लाइकोपीन होता है ना, ये हमारी स्किन को नेचुरली फेयरनेस देता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ देता है। आँख के आसपास जो आपको रिंकल्स आ जाते हैं, फाइन लाइंस आ जाती हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं, झुर्रियाँ हो जाती हैं, स्किन लटक जाती है, तो ये लाइकोपीन इन दोनों चीज़ों के साथ मिलकर, मतलब मैलिक एसिड और क्लोरोफिल जो पालक के अंदर था, इनके साथ मिलकर के एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, जिससे कॉलेजन का प्रोडक्शन हमारी स्किन में आसान हो जाता है। नंबर फोर जो लास्ट जो चीज़ हमने ली है वो है लगभग 3 से 4 चम्मच नींबू का रस। नींबू के रस के अंदर होता है नेचुरल विटामिन सी, और ये नेचुरल विटामिन सी हमारी स्किन को नेचुरली अंदर से वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ देता है।
जितना पिगमेंटेशन, जितने दाग धब्बे, जितने डार्क सर्कल्स, जितनी अनइवन स्किन, सनबर्न या फिर आपकी स्किन में कोई भी डार्क पैच होगा, उन सबको ख़त्म करने में ये नींबू का रस आपकी मदद करेगा। सो चार चीज़ें ले ली, लगभग 50 से 60 पालक के पत्ते, एक मीडियम साइज़ का हमने एप्पल लिया जिसके बारीक बारीक टुकड़े कर लिए, एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया जिसके बारीक टुकड़े कर लिए, और 3 से 4 चम्मच हमने यहाँ पे नींबू का रस ले लिया। इन चारों चीज़ों के अंदर थोड़ा सा पानी मिलाइए और ग्राइंडर से मिक्स कर दीजिए, अच्छे से ग्राइंड कर दीजिए। अब ग्राइंड करने के बाद इसे बिना छाने भी पी सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली जब मैं कुछ पी रहा हूँ तो उसके फाइबर्स आना मुझे पसंद नहीं होता, तो मैंने यहाँ पे इसे छान लिया है और छानने के बाद मेरा ये कॉलेजन बूस्टिंग जूस बनकर के तैयार है, जिसे रोज़ मैं लेता हूँ ताकि मेरी स्किन के अंदर नेचुरल कॉलेजन का प्रोडक्शन होता रहे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है उन लोगों के लिए जो या तो वर्किंग है या ऐसी फैमिली में रहते हैं जहां पर वो खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो आपके लिए ये जो जूस बनाना है रोज के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको रोज़ सुबह उठना है, रोज़ सुबह ये चारों चीज़ें अरेंज करनी है और रोज़ आपको ये जूस बना करके पीना है, तभी आपको ये बेनिफिट देगा। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो आपके लिए एक नेचुरल हर्ब आपको लेनी चाहिए जिसका नाम है सी बकथॉर्न बेरी पाउडर। मैं बहुत सारे अपने वीडियोस के अंदर, बहुत सारे अपने लाइव सेशंस के अंदर आपको बता चुका हूं कि जो सीबकथॉर्न बेरी पाउडर है, ये एक नेचुरल ऐसी बेरी है जो बर्फीली जगहों पर होती है, हिमालय है, सियाचिन है, या हिमाचल प्रदेश के जो बहुत ऊंचे हिस्से हैं जहां पे बर्फ रहती है हमेशा, उन जगहों पर ये होती है। और इस बेरी को सुखा करके इसका पाउडर बनाया जाता है, और ये पाउडर अगर हम रोज कंज्यूम करते हैं तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिट देता है कि ये हमारी स्किन के अंदर नेचुरल कॉलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। नेचुरली जब हमारी स्किन खुद ब खुद कॉलेजन प्रोड्यूस करने लगेगी तो हमारी स्किन का एजिंग प्रोसेस डिले हो जाएगा, और जब एजिंग प्रोसेस डिले हो जाएगा तो हमारी एज का अंदाजा किसी को भी नहीं लगेगा। तो या तो आप ये जूस लीजिए जो मैंने आपको रेसिपी दे दी है, या अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो सीबकथॉर्न बेरी पाउडर लीजिए रोज रात को सोते समय, एक चम्मच पाउडर आपको गर्म दूध या गर्म पानी के साथ लेना है सोने से पहले, और आप देखोगे कि ये वही आपको बेनिफिट दे रहा है जो ये आपको जूस दे सकता है। मैं भी जब बहुत बार ट्रैवलिंग में होता हूँ या फिर बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ या फिर मुझे इन चारों चीज़ों में से कोई चीज़ अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में मैं भी सीबकथॉर्न बेरी पाउडर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरी स्किन के अंदर कॉलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, साथ ही साथ ये मेरे ओपन पोर्स को कम करता है, मेरी स्किन के रिंकल्स को कम करता है, फाइन लाइंस को कम करता है, स्किन के ऊपर जो सैगिंग आ जाती है एज बढ़ने के साथ साथ उसे रिड्यूस करता है, माथे पर जो लाइन्स आ जाती हैं, आंखों के आसपास जो लाइन्स आ जाती हैं, या नेज़ोबियल जो फोल्ड्स बन जाते हैं हमारे लिप्स के आसपास, इन सबको खत्म करने में ये हमारी मदद करता है। सो मेक श्योर इसे भी एक बार आप अपना ट्राई जरूर दीजिएगा। इसे परचेज करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाइए पढ़िए समझिए, अगर आप कन्विंस होते हैं तो एक बार इसे ट्राई जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का एक नेचुरल वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको कॉलेजन बूस्टर जूस के बारे में बताया और साथ में सीबकथॉर्न बेरी पाउडर के बारे में बताया, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार ही है जिसकी वजह से हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं, और आपके प्यार की वजह से ही आज चैनल बहुत तेज़ी से 3 मिलियन हमारे परिवार के मेम्बर्स की तरफ भाग रहा है। आपका प्यार आप ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।